हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एज वी लव इट। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सो आज हम बना रहे हैं मुंबईया स्टाइल ऑथेंटिक वड़ा पाव। ये लाल चटनी, ये आलू बोंडा, एकदम ऑथेंटिक जो स्टाइल होता है ना वड़ा पाव का, मैंने वैसे ही बनाने की फुल कोशिश की है। मैंने तो ऑलरेडी एक खा लिया है बिफोर दिस शूट और ये बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग बना है। सो चलते हैं आप रेसिपी की तरफ और देखते हैं ये बहुत ही इजी मुंबईया स्ट्रीट फूड की रेसिपी विच इज़ वड़ा पाव। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़, इट विल बी अ ग्रेट ग्रेट हेल्प एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर रेसिपी। सो सबसे पहले ये बेसन का जो घोल होता है ना, जिसमें वो बटाटा बड़ा को कवर करके फ्राई करते हैं, वो बना लेते हैं। ये एक कप बेसन है, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, क्वार्टर टीस्पून के बराबर, वैसे नमक आपके ऊपर है। थोड़ा सा हल्दी, एकदम तीन चार पिंच के बराबर, और हल्की सी कश्मीर लाल मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। बस इन सभी चीजों को एक साथ मिला लिया। देखिए एक ऑरेंजिश ग्लो आ जाएगा बिकॉज ऑफ द मिर्ची, एंड वड़ा पाव एकदम सुंदर दिखेंगे, फिर बटाटा बड़ा सुंदर दिखेगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए एक बहुत ही थिक सा हमें घोल तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए बैटर को अच्छे से, सो लम्स बन जाते हैं, तो लम्स को तोड़ते हुए धीरे 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 करके हम इसको घोलेंगे। देखिए बैटर अभी एकदम थिक आ गई है इसकी कंसिस्टेंसी, यू कैन सी। ये देखिए मैं चम्मच को कैसे कोट कर रहा है, अगर मैं इसको कर रही हूँ सो हमें ऐसी चाहिए कंसिस्टेंसी कि चम्मच दिखे नहीं, अच्छे से फिर ये कोट करेगा। और अब इसको मैं करीब तीन चार मिनट के लिए ऐसे फेंट लेती हूँ। आई एम नॉट एडिंग एनी बेकिंग पाउडर, यहाँ पे बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा कुछ नहीं ऐड कर रहे, इसको बस तीन चार मिनट के लिए ऐसे फेंट लेंगे। ये जो हम लोग का बैटर है फ्लफी बन जाएगा एंड इट विल गिव द सेम इफेक्ट एज इफ वी हैव एडेड सम सोडा इन इट। ये देखिए मैंने तीन मिनट तक इसको अच्छे से फेंट लिया, अब ये बैटर एकदम एरी और लाइट हो गया है। अब इसको हम थोड़ी देर छोड़ देंगे जब तक हम बाकी सारा सामान रेडी कर लेते हैं। सो ये हम लोग का जो बैटर अभी साइड पर रख दिया। अब मैं ले रही हूँ दो पोटैटोस, दो आलू ले रही हूँ, इसको पहले मैं फोक से थोड़ा सा मैश कर देती हूँ। ये आलू को मैंने हल्का हल्का तोड़ लिया है, अब चलिए इसका जो तड़का है टेम्परिंग वो रेडी करते हैं एंड देन उसके साथ मिक्स कर लेते हैं। सो भी टेम्परिंग के लिए मैंने ऐसा एक तड़का पैन है मेरे पास, मैंने वो रख दिया है, आप बड़ा भी रख सकते हैं क्योंकि मैं ये टेम्परिंग आलू के ऊपर डालने वाली हूँ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, दिस इज ब्लैक राई, 1 tablespoon ऑफ इट। पॉप होना शुरू हो गया है ये। दिस इज गार्लिक एंड चिली पेस्ट, 1 tablespoon। हम लोग चिली कम खाते हैं तो मैंने थोड़ा सा चिली की क्वालिटी कम रखी है, लेकिन अगर आप लोग चिली अच्छे से खाते हैं तो आप चिली बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे तेल डाला था करीब 2.5 tablespoon, ये मैं बोलना भूल गई पहले। गार्लिक की क्वांटिटी हल्की से ज़्यादा रखी है मैंने,
सो मैंने चार जो बड़े गार्लिक के पॉड्स होते हैं वो लिया है और एक मिर्ची ली है. सो वन टू वन एंड हाफ टेबल स्पून के करीब मेरा गार्लिक और चिली का पेस्ट आ गया है. बस जैसे ही आपके गार्लिक का वो रॉ वाली स्मेल चली जाएगी, विच इज गॉन बाय नाउ, हम डाल देंगे इसका लास्ट एलिमेंट विच इज कड़ी पत्ता. कड़ी पत्ता को धो के रख लिया है मैंने और कड़ी पत्ता डाल के तेल गरम है अभी, उसको ऑफ कर लेते हैं और ऑफ करने के बाद मैं डाल दूंगी 1/4 teaspoon हल्दी. हल्दी जितना गरम तेल है उसी में ही पक जाएगा, वो कच्चा वाला स्मेल नहीं आएगा हल्दी में. डन, नाउ आवर टेम्परिंग इज रेडी, नाउ लेट्स पोर इट ऑन टॉप ऑफ द पोटैटोस. सो ये रहा मेरा टेम्परिंग, ये पूरा टेम्परिंग मैं डाल देती हूँ यहाँ पे. थोड़ा सा आलू ले लेते हैं वहां से एंड देन, ताकि टेम्परिंग कुछ भी वेस्ट ना हो. दिस इज द यमीनेस दैट्स गोइंग टू कम फ्रॉम द बटाटा बड़ा. बस अब इसको कर लेंगे मिक्स. इसको मैं हाथ से मिक्स कर रही हूं. टेम्परिंग गरम है, अगर आप करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें. नहीं, ठंडा हो चुका है अभी. बस आलू को अच्छे से टेम्परिंग के साथ मिक्स कर देते हैं अभी. मैंने आलू को मैश कर लिया है. देखिए, दो आलू से इतना सारा बन गया मेरा. अब इस पे मैं डाल दूंगी धनिया, कोरिएंडर, फ्रेशली कट कोरिएंडर. अब कोरिएंडर आपके ऊपर है, दिस इज ऑलमोस्ट 2 tablespoons. एंड नमक, नमक ऐड कर रही हूँ लास्ट में. अब डाल देंगे हम लोग नमक. नमक लास्ट में डालें ताकि पानी ना छोड़े तुरंत. सो नमक मैं डाल रही हूँ इसमें. मैंने 1/4 teaspoon से हल्का सा ज्यादा नमक डाला है. That's it. अब इसका हम लोग बना लेते हैं बॉल्स. छोटा बड़ा किसी भी साइज का, आई प्रिफर थोड़ा सा छोटा बॉल्स. इस साइज का मैं एक बॉल बना रही हूँ और सबको रख देंगे यहाँ पे. तो मैं सारे बॉल्स ऐसे बना लेती हूँ. कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा आपको आलू का जो मैश है वो हाथ में लेना है, 2-3 बार यहाँ वहाँ घुमाना है एंड डन. सो तेल हो गया है एकदम गरम. जो बैटर घोल के रखा था उसको एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं. बस अब ये लेते हैं अपना वड़ा, आलू वाला बोंडा, और उसको कोट करते हैं बेसन से और थोड़ी देर ऐसे इसको छोड़ देंगे ताकि वो ड्रिप हो और हल्के से यहाँ छोड़ देते हैं. हीट मीडियम हाई में ही है. मैं एक बारी में 4-4 बोंडा फ्राई कर रही हूँ. 8 बने थे, 2 आलू से बोंडे और बस. और फिर 1 cup बेसन भी मेरा यूज हो गया इसमें. बस
अब बॉन्डे को हम हिलाएंगे नहीं थोड़ी देर, उसके बाद उसको हिलाएंगे। हीट आप लो टू मीडियम ही रखें, मतलब मीडियम से थोड़ा सा कम, नहीं तो जो आउटर लेयर है वो तुरंत बन जाएगी और जो अंदर से है वो बेसन थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा। वैसे उसको ज़्यादा लो की ज़रूरत नहीं है, तो मीडियम में अच्छे से बन जाता है ये। बस थोड़ी देर हो गई है, अब थोड़ा थोड़ा मैं तेल इसके ऊपर डाल देती हूँ ताकि अगर उसको टर्न करूँ जो ऐसे निकलते हैं ना साइड से, उनको फेंकना नहीं है, इनको इनका बहुत ही अच्छा रोल है वड़ा पाव में। अब मैं कोशिश करूंगी इनको टर्न करने की। टर्न कर दिया मैंने, आपको बड़ा को फ्राई करने के लिए 2 से 3 मिनट लगेंगे, डिपेंडिंग ऑन आप कितना बड़ा साथ में फ्राई कर रहे हैं, कितना बड़ा आपका पैन है और कितना तेल है इसके अंदर। बस आर बोंडा इज रेडी। इसको वैसे जहाँ से मैं हूँ असम में गुवाहाटी से, हम लोग बोंडा बोलते हैं, आलू बोंडा, लेकिन मुंबई में इसको बोलते हैं बटाटा वड़ा। तो आज मेरे घर में मैं मुंबई को लेके आ रही हूँ विद द फेमस स्ट्रीट स्नैक। मैंने ऑलरेडी ये 4 कर लिए थे जिसमें से एक हल्का सा ओवर फ्राई हो गया है, इसको मैं ऐसे खा लूँगी। देखिए मैं आलू बोंडा इज रेडी, अब इसको मैं निकाल लूँगी। अब ये जो तेल है इस पे हम क्या करने वाले हैं, मैं बस थोड़ा सा बेसन है अभी इसमें, तो मैं एक फोर्क लूंगी और उसको ऐसे ऐसे करके डाल दूंगी और ये जो क्रिस्पी एंड क्रंची बिट्स है ये हम यूज करने वाले हैं इसके चटनी पे। दिस विल टेक हार्डली अ मिनट, मैं सारा डाल देती हूँ। देखिए 1 कप बेसन फुल यूटिलाइज किया हमने 2 आलू के साथ। है हम लोग 2 जन घर पे और आलू बोंडा बना है 8, पर बचेगा कुछ नहीं। बस इसको सो हल्का सा ऊपर नीचे कर देते हैं। बस उनको हल्का सा हम ब्राउनिश होने तक का वेट करेंगे जो हो रहा है अभी, और फिर उसको निकाल लेंगे। ये देखिए दिस इज रेडी, गैस को कर देते हैं ऑफ और इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितना सुंदर गोल्डनिश कलर आया है। जितना हो पाया मुझसे मैंने सारा निकाल लिया छान के। अब चलिए बनाते हैं चटनी। अब बनाते हैं चटनी, वेरी इजी चटनी है ये। एक जार ले लेते हैं मिक्सर ग्राइंडर, सबसे छोटा वाला जार चटनी जार है वो। इस पे मैं डाल रही हूँ 5 pods ऑफ गार्लिक, 2 spoons ऑफ रोस्टेड तिल। ये तिल है, तिल से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे आप तो नटी फ्लेवर आएगा जो बहुत ही मज़ा आता है। और ये जो कुरकुरे बिट्स बने थे ना वो सारा डाल देते हैं इसके अंदर। बस एंड दिस इज लाल मिर्च। नाउ मैं मिर्च कम खाती हूँ सो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है और बस 1/4 teaspoon नॉर्मल मिर्च ताकि हल्का सा थोड़ा तीखा हो। लेकिन अगर आप एकदम तीखा खाते हैं तो पूरा आप नॉर्मल लाल मिर्च ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं डाल दूंगी नमक, 1/4 teaspoon के करीब मैं नमक डाल रही हूँ। अब इन सभी चीज़ों को मैं पिस लूँगी सूखा सूखा ही। ये देखिए मेरी चटनी बन के रेडी है।
कितना सुंदर कलर और जो उसकी खुशबू आ रही है एकदम गार्लिक की इट्स वेरी वेरी यमी। तो अब चलते हैं, बनाते हैं वड़ा पाव। सो ये है पाव, ये नॉर्मल पाव जो आता है खरीदने पैक में वही है। इसको पहले मैं तोड़ लेती हूँ, ये रहा, फिर इसको और तोड़ दिया। चाकू लेते हैं और इसको ऐसे बीच से काट लेते हैं, पूरा नहीं काटते हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं फोल्डिंग के लिए, ऐसे वाला, ठीक है। अब करते हैं, अब थोड़ा सा चटनी डालते हैं नीचे, एक लेते हैं वड़ा और ऊपर ये रख के मैं थोड़ा सा कर देती हूँ उसको प्रेस। देखिए वड़ा अपने आप टूट गया, ऊपर थोड़ा सा और चटनी। ओहो लुक एट दिस। सिमिलर वे इसको भी ऐसे बना लेंगे, थोड़ी सी चटनी, वड़ा एकदम रेडी है खाने के लिए।